नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी शो चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के हर दिन सियासी उठापटक चल रही है। सियासी दंगल में हर दिन नए नए मुद्दों की एंट्री भी हो रही है और इन मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। दल बदल और तालमेल यानी कि सियासी गठजोड़ को लेकर के भी तमाम दल गुना भाग में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए काफी दिलचस्प सियासी दौर इन दिनों प्रदेश में चल रही है और अब राज्यसभा चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में राज्यसभा उपचुनाव पर भी सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। तो राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की सियासी रेस में कौन चल रहा है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करेंगे सत्ता पक्ष की ओर से आ रही एक बड़ी खबर की ओर। दरअसल बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और तैयारियों को गति देने का काम किया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने एक बड़ा फैसला लिया और प्रदेश की सभी 90 सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों और संयोजकों की नियुक्ति की गई है। नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बड़ा फैसला लिया गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से। सभी 90 की 90 सीटों पर जो प्रभारी बनाए गए हैं, संयोजक बनाए गए हैं और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और जिस तरह से बैठकें लगातार चल रही हैं, कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। इसी बीच अब ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। विधानसभा प्रभारियों और संयोजकों की नियुक्ति की गई है। अब विधानसभा स्तर पर भी ये टीम चुनाव की बात में बात सत्ता पक्ष बीजेपी की हो रही है। बीजेपी इस बार चुनाव में 25% नए चेहरों को मौका देने जा रही है और इसी रणनीति पर काम किया जा रहा है, यह दावा किया गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, बहुत सारे चुनाव में मैंने कहा भी है। 25% परिवर्तन तो हर चुनाव में हुआ है, वो अब की बार भी होगा, पहले भी। जो आदमी काम कुछ भी काम नहीं करता वो हमेशा हिसाब मांगता है, चाहे गांव हो चाहे कोई शहर हो। अगर कोई संस्था भी है, जो आदमी उस संस्था में चंदा नहीं देता वो भी हिसाब मांगता है। जिस सरकार ने लंबे समय तक यहाँ पर राज किया और कोई काम नहीं किया, वो अपना जवाब जनता को दे। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में भी उनको जवाब देने का काम किया था, 2019 के में भी जवाब देने का काम किया था, अब 2024 के चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। और चुनाव की बात में बात करते हैं कच्चे कर्मचारियों की, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चे कर्मचारियों को लेकर के सीएम नायब सैनी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि कच्चे कर्मचारियों को उनकी नौकरी अब सुरक्षित कर दी गई है। अब हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर ही वेतन मिलेगा और इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों को रिटायर होने तक उनकी सेवा सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारी खुद को पक्का करने की लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने भी इस पर विचार करते हुए गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को सुरक्षित किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है,
ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगा, अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी पात्र होंगे। सीएम ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक का समय हो गया है, उन्हें सरकार की इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह 8 साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 10% अधिक वेतन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी कच्चे कर्मियों की नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला लिया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार कच्चे कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है। बहरहाल चुनाव से पहले सीएम ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित कर एक बड़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस बीच देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस फैसले का बीजेपी को आगामी चुनाव में कितना फायदा होता है। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज। इतना ही नहीं, सीएम नायब सैनी इन दिनों फिलहाल पूरी तरह से चुनावी बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ कच्चे कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान कर चुके हैं, महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं प्रदेश के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। यानी कि प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग किसानों को लुभाने के लिए सभी फसलों पर जहां एमएसपी का ऐलान किया गया, तो वहीं तीज के मौके पर हरियाणा की करीब आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं करने का काम सीएम ने किया है। और इतना ही नहीं, करीब 46 लाख परिवार ऐसे जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, अब उन्हें मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल सकेगा। इस तरह की घोषणाएं भी सीएम की तरफ से की गई हैं। और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार की तरफ से की गई, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाली है। ऐसे में चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से लगातार घोषणाएं किए जाने का दौर जारी है। सीएम लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। जहां किसानों को हर फसल पर एमएसपी की घोषणा सरकार कर चुकी है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 46 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा, लेकिन इसका फायदा 1,80,000 रुपए की आय वाले परिवारों को ही मिलेगा। तीज के मौके पर जींद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बड़ी घोषणा की। और उसको लेकर के आज इस तीज के पर्व के ऊपर आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं आज अपनी बहनों को कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारी ऐसे लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 46 लाख परिवार हैं, ऐसे 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। इस बात की मैं आज घोषणा करता हूँ। मुझे ये बताते हुए आज बहनों के बीच में ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% बढ़ाने का ये निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में 8,45,000 हमारी गर्भवती बहनों को 346 करोड़ रुपए की सहायता देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है
आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना में 10 लाख बच्चों को, 3 लाख महिलाओं को फोर्टिफाइड दूध, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में छात्राओं को सैटनरी पैड उपलब्ध कराने का कार्य भी ये हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा सीएम नायब सैनी ने और भी कई बड़ी घोषणाएं महिलाओं और बच्चों के लिए की, जिसमें 1,80,000 रुपए तक की आय वाले करीब 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि को बढ़ाकर 41,000 से 71,000 रुपए कर दिया गया। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भी 15% तक बढ़ाई जाएगी। हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना के तहत अब रुपए 5 लाख तक का लोन ले पाएंगी महिलाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का रिवॉल्विंग फंड 20,000 से बढ़ा करके किया गया 30,000। सेल्फ हेल्प ग्रुप की समूह सखी का मानदेय 150 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत अब स्कूलों में 14 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को साल में 150 दिन तक मिलेगा फोर्टिफाइड दूध। तो वहीं इससे पहले सीएम किसानों के लिए भी सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर चुकी है और साथ ही और भी कई बड़ी घोषणाएं सीएम कर चुकी है। हालांकि उस पर विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा चुके हैं। करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामांत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं, इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है, एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। मैं पंजाब के सरकार को भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप भी कुछ किसान की वहाँ की फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करें। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार है, आप भी वहाँ एमएसपी पर किसान की फसलों को खरीदने का काम करें। खाली होठ बजाने का कोई फायदा नहीं है। आज अखबार में पढ़ रहा था कि हम सारी फसलों के एमएसपी देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। अरे क्या झूठ बोलते हो भाई, पीछे 14 फसलों का कहा था हमने, कभी कुछ कहा। मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ, कब सबको एमएसपी मिली, परेशानी के सर कोई काम नहीं है, उसकी प्रशंसा करूंगा। कल ही बयान दें कि हम सबको एमएसपी देंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि जो कम दे तब मुकदमे में उनको अंदर करा सके। जब तो फायदा है, झूठे आश्वासन दे रखता है फायदा। कांग्रेस ने फैसला कर रखा है, कांग्रेस की जिस भी केंद्र सरकार आएगी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। ये किसान की सदा रोती रही है। यानी चुनावी मौसम चल रहा है और सरकार हर मौके पर इस कोशिश में जुटी हुई है कि हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग किसान और महिलाओं के लिए की गई इन बड़ी घोषणाओं का चुनाव में अब क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बात में बात करते हैं हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव की। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली है और इस सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है।
तो वहीं इस उपचुनाव पर सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है, राजनीतिक बयानबाजी भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा विधानसभा की क्या कुछ स्थिति है और राज्यसभा उपचुनाव का पूरा शेड्यूल क्या है, इस रिपोर्ट में आप जानिए। राज्यसभा का रण शुरू हुआ, सियासी दंगल। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की एक राज्यसभा सीट खाली हो गई थी, उपचुनाव तय था। यूं तो उस वक्त से ही नेताओं की बयानबाजी और इच्छुक उम्मीदवारों की लॉबिंग शुरू हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है तो ऐसे में सियासी पारा भी हाई हो चुका है। अब तक ये सीट कांग्रेस के हिस्से में रही। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव जीतने से पहले तक राज्यसभा के सदस्य रहे, लेकिन उनके चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सीट खाली हुई और इस सीट पर अब उपचुनाव के शेड्यूल जारी किया गया है। सबसे पहले आपको उपचुनाव का पूरा शेड्यूल बता देते हैं। 14 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। 21 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि। 22 अगस्त नामांकन की जांच की जाएगी। 27 अगस्त नाम वापसी की आखिरी तारीख है, यानी इस दिन नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 3 सितंबर मतदान की तिथि, इस दिन वोटिंग होगी। और साथ ही साथ 3 सितंबर को ही मतगणना भी होगी, यानी कि रिजल्ट भी 3 सितंबर को ही घोषित कर दिया जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। अब बात करते हैं विधानसभा की स्थिति की, क्योंकि जिसके पास ज्यादा नंबर उसी दल का उम्मीदवार जाएगा राज्यसभा। तो ऐसे में हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति को समझ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, लेकिन मौजूदा सदस्यों की संख्या 87 है। बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 29 विधायक हैं, जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, हलोपा के पास 1 विधायक, इनेलो के पास 1 विधायक और निर्दलीय 5 विधायक हैं। हरियाणा विधानसभा की संभावित स्थिति को समझ लेते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों वाले मौजूदा विधानसभा में 87 विधायक हैं। इसमें बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, साथ में एक निर्दलीय विधायक और एक हलोपा के विधायक का समर्थन भी प्राप्त है। इस हिसाब से बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन है, लेकिन वहीं कांग्रेस के 29 सदस्य हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। इस हिसाब से कांग्रेस के पास 32 विधायक बनते हैं। वहीं जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। इनेलो का 1 विधायक सदन में है। कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी अभी भाजपा के पाले में हैं और स्पीकर का उनकी विधायकी को लेकर के कोई फैसला नहीं आया है, यानी कि अगर चुनाव तक उन पर कोई फैसला नहीं आता है तो वो बीजेपी को वोट देने के लिए स्वतंत्र होंगी। और इसी तरह से जेजेपी के भी 2 विधायक जोगीराम सिहाग और राम निवास, ये भी बीजेपी को समर्थन देते रहे हैं। और विधानसभा स्पीकर को जो जेजेपी की तरफ से पत्र लिखा गया है, इन दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है, उस पर भी अभी तक फैसला नहीं आया, यानी कि ये दोनों विधायक भी बीजेपी के साथ आने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। हरियाणा से वर्तमान में कृष्णलाल पवार, सुभाष बराला, रामचंद्र जागड़ा बीजेपी से, तो कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय कोटे से बीजेपी समर्थित राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले कांग्रेस के कोटे से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से लोकसभा सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और अब इसीलिए इस एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। वर्तमान राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सीट बीजेपी के हिस्से में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति में कब और क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर विपक्ष ने यहाँ कोई तिगड़म भिड़ाने की कोशिश की और सफल हो गए तो पासा पलट भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बात में बात करते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी सियासी बयानबाजी की। इस मामले में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के नाम पर पूर्व सीएम हुड्डा ने जहां सियासी दांव चला, तो वहीं उनके इस सियासी दांव पर सीएम नायब सैनी और बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा। रिपोर्ट आप देखिए।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की एक सीट के लिए 3 सितंबर को मतदान होना है। बीजेपी के पास बहुमत के लिए भले ही विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, लेकिन विपक्ष में बिखराव और क्रॉस वोटिंग हुई तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। इस बीच कांग्रेस सांसद भूपेंद्र हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात कह दी है, जिसका रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी समर्थन किया है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल होता तो कांग्रेस विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजती। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारे तो मेजोरिटी नहीं है, अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बुलाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। हमारे तो भाई हमारे तो नंबर नहीं है, 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैंने तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है गोल्ड मेडल लेके देश की जो बात। हुड्डा साहब ने आज एक बड़ी बात कही है, उन्हें कहा है कि अगर संख्या होती कांग्रेस के पास तो देश का जिस तरीके से गौरव विनेश, हमारी बहन विनेश ने बढ़ाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उनसे उपयुक्त कोई और नहीं होता। अगर हमारे पास संख्या होती तो हम उनको जो है उनसे ही बात करते कि अगर उनकी इच्छा होती तो हम उनको लाते। बाकी ये बात कुटा साहब ने जो कही है। इधर सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट की हौसला अफजाई करते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से विनेश को ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली सभी सुविधाएं और सम्मान देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि खेलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं उस दिक्कत के कारण, क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है। फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे, उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे। हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग, ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुस होते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियां हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। खाली झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास नीति नहीं। ये बोल तो सकते हैं, ये झूठ तो फैला सकते हैं, परंतु ये करने के अंदर इनकी मनसा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीति भी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के विनेश को राज्यसभा भेजने के बयान पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने भी हुड्डा पर पलटवार किया और कहा कि हुड्डा वही घोषणाएं करते हैं जो वह पूरी नहीं कर सकते, ये उनकी आदत है और उनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। वहीं विनेश फोगाट के संन्यास लेने के फैसले पर अनिल विज ने कहा कि विनेश को हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें अगले मैच के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भारत को उनसे काफी उम्मीदें हैं। हुड्डा जी की एक आदत बन गई है, वो वही घोषणाएं करते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। उनका पिछला सारा रिकॉर्ड देख लो, उनको पता है कि उनकी संख्या नहीं है, तो वो ही चीज वो देने की बात करते हैं, हमेशा यही बात करते हैं जो वो नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने देना ही है तो वो तो बहुत पैसे वाले आदमी हैं। फोगाट को गोल्ड मेडल जीतने से
जो इनाम मिलना था, जो 6 करोड़ रुपए है, जो मैंने किया था जब मैं खेल मंत्री था, तो 6 करोड़ रुपए आप सोच देखें, अगर इनके दिल में इतना ही हमदर्दी आ रही है, वो बात देने की क्यों बात कर रहे हैं जो वो कर ही नहीं सकते। विनेश फोगाट को भी अपनी जो लड़ाई है गोल्ड मेडल लेने की, जो प्रयास है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, उस पर लगातार लगना चाहिए। और इस ओलंपिक में जो नहीं हो सका, अगले ओलंपिक में हिंदुस्तान की जनता उनसे जो उम्मीद कर रही है वो गोल्ड मेडल लाकर देना चाहिए। वहीं इससे पहले दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि अगर कांग्रेस किसी खिलाड़ी को राज्यसभा में भेजने के लिए आगे लाती है तो जेजेपी कांग्रेस का पूरा समर्थन करेगी। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको, प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने लगे। अगर कोई खिलाड़ी रिनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया है, उनको आगे लाने का काम करना है। भले ही कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने के लिए सियासी बयान जारी कर दिया गया हो, लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि राज्यसभा सीट के लिए 21 अगस्त तक नामांकन किया जाना है, लेकिन 25 अगस्त को विनेश फोगाट 30 वर्ष की होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए और राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी दंगल में उठापटक लगातार जारी है। सभी दल सत्ता की रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की जुगत में जुटे हुए हैं। जीत के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सत्ता की इस रेस को जीतेगा कौन, ये विधानसभा चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए चुनाव की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।